अगर उनकी बात की जाए तो सर मेरा नाम आशीष कोतवाल और मैं जीडीसी डोडा में पढ़ता हूँ। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा एसएसपी सर डोडा को जो न्यूली रेकमेंड हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो आए दिनों में देखा जाए जब से वो रेकमेंड हुए तो हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए कि आज एक ड्रग अरेस्ट हुआ, मतलब देखते को हर न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि आज वहाँ अरेस्ट हुआ, वहाँ अरेस्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए एक पॉजिटिव मैसेज उभर के आ रहा है कि जो भी युवा नशे में गिर रहा है उसको ये जो J&K पुलिस ने कदम उठाया है तो उनको उस नशे से मुक्त कर रहे हैं। और एसएसपी सर का हम यहाँ भी थैंक यू करना चाहेंगे कि J&K पुलिस का थैंक यू करना चाहेंगे कि वो इस तरह के प्रोग्राम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में कर रहे हैं, जो कि आज की युवा जो है जो गलत जो उनके दिल में एक मैसेज दिमाग में एक मैसेज जा रहा है तो वो इस टाइप के प्रोग्राम करके जो है उन युवाओं में एक पॉजिटिव मैसेज डाल रहे हैं कि हमें नशा ना करना चाहिए, नशा हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। सर ये एक तो मैं एसएसपी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आते समय में ऐसे जैसे और प्रोग्राम करते चलें ताकि जो हमारा जो युवा है वो इसमें ना गिरे, जो है वो नशे को छोड़ दे और अच्छे रास्ते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। जी इसका मेन मोटिव यही था कि हम जितनी भी हमारी यंगर जनरेशन है उनको हम एक मैसेज दे सकें कि आप जिस एज में हैं, इस ये एज एक ऐसी एज होती है जहां हम या तो बन जाएं या तो बिगड़ जाएं। तो हम अपने नाटक के थ्रू यही मैसेज देना चाहते थे कि ये नशाखोरी ये जितनी भी चीज़ें हैं इनसे दूर रहिए और अपने आप अपने फ्यूचर को एक आगे बढ़ाइए, सक्सेसफुल बनिए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। आप इस एज में अगर कुछ कर सकते हैं तो कर जाइए और इन नशाखोरी से प्लीज़ दूर रहिए। अपने माँ बाप को देखिए, बहुत लाइफ है आगे कुछ कर दिखाने के लिए। ये पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जो हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। आज ज़िला डोडा में हुआ है जिसमें ज़िला डोडा के हमने नौजवान जो यूथ हैं स्कूल और कॉलेज के बच्चे बच्चियां इनको बुलाया है, इनको एक अवेयरनेस का प्रोग्राम दिया है कि ड्रग्स के मिसयूज़ के क्या नुकसान हो सकते हैं। और हमारा ये पैगाम है पूरी सोसाइटी को, एक हमने डोडा में मिशन ड्रग फ्री डोडा चलाया है उसमें पब्लिक हमारा साथ दे। हम अवेयर करते हैं बच्चों को कि ये अपने साथियों को भी जाके बताएं और लोगों को भी बताएं ड्रग के क्या नुकसान हैं, इसलिए प्रैक्टिकली एक ये ड्रामा करके बताया गया है नटरंग थिएटर वालों ने कि इसके क्या अब्यूज़ हैं। बच्चे जो नौजवान हमारे हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं, इस ड्रामा को समझ सकते हैं और इस पर अमल करते हुए एक पैगाम देंगे पुलिस डिपार्टमेंट का, पूरी सोसाइटी में जाएगा ताकि कोई भी बच्चा जो नशे की तरफ आना चाहता है जो नशे में शामिल है वो इस चीज़ से दूर रहे और हमारा एक पैगाम सोसाइटी में जाए कि नशा मुक्त जो है ज़िला डोडा हो सके। अभी तक हमने 18 FIR दी हैं इस साल में और 15-20 के करीब लोगों को पकड़ा है इसमें। और इसके अलावा हमने प्रिवेंटिव सेक्शंस का भी प्रयोग किया है जिसमें हम जुडिशियल कस्टडी में भी लोगों को भेज रहे हैं, जो लोग नहीं इस चीज़ से बाज आ रहे हैं उनके लिए हम डोजियर भी तैयार कर रहे हैं जिससे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद कर सकते हैं, PSA वगैरह तैयार करेंगे। कानून अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा इस नशाखोरी की जो लत है इसको सोसाइटी में निकालने से। मेरी अपील है आपके माध्यम से पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम को कि वो हमारा साथ दें, हमारे आँख और कान बने ताकि हम डोडा को नशा मुक्त कर सकें। पेरेंट्स से मेरा ये पैगाम है और मेरी अपील है, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ उनको कि अपने जो नौजवान बच्चे हैं उन पर नज़र रखें, उनकी पेरेंटिंग करें। जैसे एक थानेदार अपने एरिया की थानेदारी करता है, वो घर में माँ बाप हैं जो भी बड़ा बुज़ुर्ग है वो अपने बच्चों को देखें अच्छी तरह कि हमारा बच्चा किसी गलत सोसाइटी में तो नहीं जा रहा, उसका बिहेवियर क्या है वो चीज़ चेक करनी है। माँ बाप को पता चल जाता है कि बच्चा उसकी क्या हरकत कर सकता है, तो जो माँ बाप बच्चे को ठीक कर सकते हैं करेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। हमें इन्फॉर्मेशन आएगी, हम काउंसलिंग करेंगे, वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए लाएंगे, या ड्रग पेडलर्स की इन्फॉर्मेशन आएगी हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन माँ बाप से और सभी पब्लिक से मेरी अपील है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, इस वबा से अपने आप को बचाएँ। ये हर एक के घर तक पहुँच जाएगी, हमें इन्फॉर्मेशन दें। इसमें इन्फॉर्मेशन देना एक नेकी का काम है, स्वाब का काम है, पुण्य का काम है, ये किसी के घर तक भी पहुँच सकती है। ये मैसेज है हमारा कि हमारा इसमें भरपूर साथ दें, हमें इन्फॉर्मेशन दें, हम इसको इस नशे की लत को डोडा डिस्ट्रिक्ट से डोडा डिस्ट्रिक्ट को इससे मुक्त करेंगे। बात तो वहीं की होनी चाहिए जहां हम दिखा रहे हैं, तो देर किस बात की, हो जाओ शुरू। हाल इस जगह का हाल मत बन जाता है और वो इसे मत...
नशे का जहर फैलता जाता है और आदमी इसकी गिरफ्त में आ जाता है। ये सब क्या है? कबीर ने कहा था, पोथी पढ़ पर चकमोहा पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित कोय। ट्रक फ्री डोडा हमें साथ मिल रहा है, पब्लिक से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसका मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। इसमें हमने एक पूरा डाटा बैंक बना रहे हैं कि कौन लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए कि डोडा टाउन में किस एरिया में ज़्यादा ड्रग्स हो रही है, कौन लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं, कौन लोग यूज़ कर रहे हैं, हमने सबका डाटा बना लिया है। हम एक्शन करेंगे, हम उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का PSA का डोजर भी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक बीट सिस्टम होता है, बच्चों ने सुना नहीं कभी, हम आपको थाने लेके एक बीट अपना दिखाएंगे हमारी बीट बुक क्या होती है। उस बीट सिस्टम के बीट ऑफिसर को ये डायरेक्शन दी गई है कि जो भी नशाखोरी में जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो सप्लाई करते हैं इस चीज़ को, इस नशे वाली चीज़ को, उनका हम उसमें लिस्ट में नाम रख रहे हैं। और जो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, जो काउंसलिंग के बावजूद भी नहीं हमारे उसमें आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में नशे में बार बार जा रहे हैं, उनका भी हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं जो कि हमारी बीट बुक में जिसकी एंट्री होगी। और जब भी वेरिफिकेशन होगी, चाहे पासपोर्ट की हो, चाहे स्कूल की हो, किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है, सर्विस के लिए जाना है, कहीं भी वेरिफिकेशन होगी और वो बीट बुक देखी जाएगी। मैं ये धमकी नहीं दे रहा, मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि कानून का डर होना चाहिए। जो इसमें है वो छोड़ दें, जो इसमें ड्रग सप्लाई का काम कर रहे हैं वो छोड़ दें, कानून के इस शिकंजे से बचे हो। यू आर द फ्यूचर, और किसी भी देश के बच्चे, किसी भी देश के स्टूडेंट्स उसकी करेंसी होते हैं। जो रियल में करेंसी जो है हमारी, वो आप लोग हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी करेंसी जो है वो ख़राब ना हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये सरमाया जो है हमारे हाथों से अच्छी अच्छा काम करना सीखे, बुरा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि वी वॉन्ट टू प्रिजर्व आवर फ्यूचर करेंसी, ताकि हम उसे अच्छी तरह से खर्च कर सकें। शुरू में ही इस नाटक में उस बंदे ने चाहा कि भाई मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन मेरे को फलानी फलानी कंडीशंस ने खींच लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कंडीशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं। आपको लाइफ में बड़ी सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, लेकिन आपको उनको ओवरकम कर आगे बढ़ना है। लाइफ का मकसद ही आगे बढ़ना है। लाइफ का मकसद, जो रुक गया उसमें लाइफ नहीं होती है। ही इज नॉट ए लिविंग पर्सन, ही इज ए डेड पर्सन। सो काइंडली बियर इन माइंड कि आप लोगों को जो आपने आज सीखा उसको अपने माइंड में, अपनी सोल में इंप्रिंट कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में इनसे लड़ने में परेशानी ना हो। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ हमारे जितने भी लोग यहाँ पर आए, खास तौर पर नटरंग की टीम का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी प्रस्तुति हमारे सामने पेश की। Thank you.
कुशल भाग्य राज